हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि ए के का संबंध लिखा है दोस्तों एफ और पी, उसी प्रकार से एक्स और डी का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगाया उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 8 का संबंध यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 81, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि 64 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल हम लोगों का 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसी TCS और भी अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करा रही है दोस्तों बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 440 है, जिसने पार्ट 439 नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट वहाँ पर उपलब्ध है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, GDCSF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि फ्रेंच का संबंध जिस प्रकार से फ्रांस लिखा है, तो उसी प्रकार से डच का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए, और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न सही हो पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों, जिस प्रकाश देखिए इस जगह पर लिख देते हैं कि फ्रांस का जो हम लोगों का, यहाँ पर बेसिक बात समझिए दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, कि फ्रांस का निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रांस का निवासी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्रांस के निवासी को क्या कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, यानी फ्रांस जो देश होता है दोस्तों उसका जो निवासी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यानी डच जो है किस देश के व्यक्तियों को बोला जाता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हॉलैंड हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस आपको तरीका समझना था कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किए, जिस प्रकार से जो फ्रांस का निवासी होते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो उसी प्रकार से यानी कि जैसे जानते हैं कि फ्रांस में कौन सा भाषा बोली जाती है दोस्तों, फ्रेंच, उसी प्रकार से हॉलैंड देश है तो हॉलैंड के निवासियों को बोलते हैं डच, और वहां पर कौन सा भाषा बोला जाता है, डच बोला जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लिए दोस्तों कि फ्रांस के निवासी को हम लोग फ्रेंच बोलते हैं, और फ्रेंच जानते हैं कि भाषा बोला जाता है, उसी प्रकार से हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, और उस सब क्या बोलते हैं दोस्तों, डच भाषा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन, सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, और जरूर कमेंट कीजिए कितने प्रश्न सही हो पाए। तो चलिए बताते हैं, जैसे 3, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 8, फिर दे दोस्तों हम लोगों के सामने 10, फिर यहाँ पर है 15, उसके बाद है 17, उसके बाद लिखा है दोस्तों 22, उसके बाद है 24, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, और इसी जगह है क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से आंसर आ सकता है। ये देखिए 3 से यदि 8 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है उसने, 5 जोड़ा है, बस लॉजिक को समझिए। उसी प्रकार से देखिए 8 से यदि आप 10 पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस उसने क्या कर दिया, 2 कर दिया। उसी प्रकार से 10 से 15 पे जाएंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 5 कर दिया। उसी प्रकार से 15 से यदि आप 17 पे जाएंगे दोस्तों, तो प्लस क्या किया, उसने 2 किया है। बस लॉजिक को समझिए क्या क्या, उसी प्रकार से यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, प्लस 5, उसी से यहाँ से जाएंगे 22 से 24 पे तो 2, उसी प्रकार से अगला क्या करेंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, तो 24 और 5 कितना होता है, 29 होता है, तो यहाँ पर 29 आएगा।
और 29 में आगे फिर क्या जोड़ेंगे दोस्तों, दो, तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 29 और 31 पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए किस तरीके से प्रश्न का आंसर कर रहे हैं, बस लॉजिक को समझना है कि क्या हुआ है, किस तरीके से करते जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आपको सभी चैप्टर से रीजनिंग के जितने भी चैप्टर हैं और जितने भी चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चले क्योंकि रिसेंटली अभी पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर जानते हैं दोस्तों, यानी अलग अलग डायग्राम में दिया रहता है। और यहाँ पर जैसे इस बार यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आपको बताना है इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। तो देखिए उसने क्या किया है और कैसे किया इस प्रश्न का आंसर, ये यहाँ पर सीधा सा 8 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, लॉजिक को देखिए किस प्रकार से 8 और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर दीजिएगा। तो जैसे ही 8 और प्लस 4 कर दीजिएगा और ब्रैकेट इधर माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 कर दीजिए। तो 8 4 12 होता है, तो 12 में से जैसे ही आप 3 घटा दीजिएगा तो आप क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, 9। तो कौन सा 9 के बारे में आप बोल रहे हैं, तो बीच में जो आया है उसी प्रकार से अब दूसरा में लॉजिक लगा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से उसने क्या किया दोस्तों, नीचे में जो दोनों यानी कि अंक है उसको जोड़ के ऊपर वाला अंक क्या कर दिया, घटा दिया। देखिए जैसे 6 यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, 5 इसको जोड़ लीजिए और ऊपर वाला नंबर क्या कर दीजिए दोस्तों, जो अंक दिया उसको घटा दीजिए। तो 6 5 11 11 में से 4 जैसे ही घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। यानी इस जगह पर हम लोगों का 7, तो यहाँ पर देखिए 7 लिखा है, बिल्कुल समझ गए सर। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों, चलिए उसका कर देते हैं, यानी कि नीचे वाला दोनों को जोड़ लेना, 9 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 5 कर दीजिए। तो 9 3 12 12 में से जैसे ही 5 घटेगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न क्या किए, कैसे किए, किस तरीके से लॉजिक लगाए। तो यहाँ पर आप समझ गए कि नीचे वाले दोनों यानी अंक को जोड़ के ऊपर वाला अंक क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया है। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, आप जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज कई बार एग्जाम में अलग अलग डायग्राम रिपीट किया है, इसीलिए आप क्या कीजिए दोस्तों, पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए और जितना भी पार्ट अभी तक हुआ है दोस्तों सारे पार्ट को आप देख लीजिए। जैसे 440 तक आ जाएंगे तो हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हर एक एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से हमने बताया। तो जरूर जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट आपको मिल जाएगा, तो एक और से देखना चालू कर दीजिए। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे वीडियो सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन बताते हैं। करा कि प्रश्न में दिए गए दर्पण प्रतिबिंब ए बी पर रखा जाता है, तो कौन सा उत्तर सही यानी कि दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। यानी यहाँ पर उसने दर्पण लगा दिया दोस्तों, इंडिकेट कर रहा है कि यही दर्पण है, जब इस फिगर को देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो आप जानते हैं दोस्तों आईना जो मिरर होता है वहाँ पर दाएँ हाथ देखने के बाद बाएँ हाथ दिखता है और बाएँ हाथ देखने के बाद दाएँ हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को मिरर में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा, ये देखिए जो हम लोगों का पार्श्व हो जाएगा यानी तीर का निशान ऊपर में हो जाएगा, तो इस तरीके से उसी प्रकार से देखिए एक डंटा है, इस प्रकार से डंटा हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या होगा, फिर एक तीर का निशान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीर का निशान इस प्रकार से। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का एक खाली एकदम इस प्रकार से, उसके बाद देखिए फिर एक तीर का निशान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस साइड से जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, तीर का निशान, उसके बाद फिर से हम लोगों का ऐसा बनेगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में, देखिए ऊपर में दे दिया है इसने खाली वाला, तो खाली यानी कि सिर्फ जो लाइन है वो, इसमें देखिए एक हम लोगों का इधर से दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता है, इसमें भी देखिए इधर से, यानी तीर का निशान क्या हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा, क्योंकि अब मिरर इमेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट हम लोगों का पार्श्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बिल्कुल देखिए, जरूर समझ में आएगा कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, एनालॉजी सदृशता, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर जैसे ए और के का संबंध उसने इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से कह रहा है एक्स और डी का क्या होगा। तो चलिए बता दें, ये देखिए यहाँ पर सीधा ऐसे कर लीजिए दोस्तों, ए और क्या है हम लोगों के सामने, के है, तो चलिए ऐसे ही बना देते हैं जैसे क्वेश्चन दिया ए के, और इस जगह पर है लिखा दोस्तों एफ और पी, और यहाँ पर दिया गया है समानुपात का चिन्ह, और इस जगह पर है दोस्तों एक्स, और हम लोगों के सामने क्या है डी, और आगे है क्वेश्चन मार्क।
तो लॉजिक देखिए क्या लगाने से इस प्रश्न का आंसर होगा कि ए में आखिर ऐसा क्या जोड़ दें सर जो ऐप पे चला जाए, किसमें, ए बी सी डी में। तो ए से जैसे ही जोड़ेंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 5 करना होगा। लेकिन एक बात, बी सी डी ई एफ, उसी प्रकार से के में आप जाएंगे दोस्तों इस पे, तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों, प्लस 5 लेटर प्लस कर दिया। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। तो उसी प्रकार से इसमें करना है, इसमें क्या कर देना है, प्लस 5 कर देना है। तो जैसे ही प्लस 5 करेंगे तो देखिए एक्स के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई और जेड। तो जेड के बाद हम लोगों का कहां से हो जाएगा, ए बी सी, यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा। उसी प्रकार से डी में क्या कर देंगे दोस्तों, 5 लेटर प्लस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर सी आई, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ इस तरीके का प्रश्न, बस लॉजिक को समझ लीजिए, देख लीजिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे 6 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कैसे कीजिएगा आप, यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसे शब्द चुनिए जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो उसने कहा है दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। किसमें, ये जो एडमायर हम लोगों का जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों एडमायरेशन, तो इससे आपको देखना है कि एक एक लेटर इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो लेटर नहीं मिलेगा तो वही हो जाएगा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर खोजते हैं दोस्तों कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर बोला है नहीं, तो नहीं बनाया जा सकता है, तो यही अंडरलाइन कीजिए कि नहीं। तो इसमें खोजिए, जैसे हम लोगों का एस है क्या, देखिए एस तो इसमें है सर, तो एस मिल गया। उसके बाद आई, तो आई क्या है, हाँ तो आई भी है। उसके बाद टी, तो टी भी है। उसके बाद हम लोगों के सामने यू, तो यू देखा जाए कि ए डी एम आई एन आई एस टी आर ए टी, हाँ तो पता चल चुका है यही नहीं बनाया जा सकता है, इस प्रश्न का आंसर यही वाला होगा। और यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों यू का प्रयोग किया, क्या लिखिएगा, यू का प्रयोग किया, वहाँ पर कहीं आपका यू नजर आ रहा है, यू का प्रयोग किया, देखिए ना यू का प्रयोग यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों, यू का प्रयोग किया है। बस इतना सा बात आप बेसिक बात समझिए कि वहाँ पर देखिए कि सर कौन सा लेटर नहीं मिल रहा है, तो यू, यू नहीं मिल रहा है। देखिए ना कहीं ए डी एम आई एन आई एस टी आर ए टी आई, तो कहीं यू है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन में देखिए हम लोगों का यू दिया गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है कि 8 का संबंध 81 लिख दिया, तो उसी प्रकार से 64 का क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए एक बार करके बताइए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से हम लोगों का आंसर निकलेगा। तो देखिए लॉजिक बताते हैं क्या हुआ है और कैसे। 8 का संबंध उसने 81 लिख दिया है, उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह है और यहाँ पर है दोस्तों 64, तो इस जगह पर क्या आएगा। तो देखिए बहुत सारा स्टूडेंट यही कह रहा है कि सर इस प्रश्न का आंसर जो है ना आप बेहिचक कर सकते हैं, कैसे, देखिए कि 8 से आखिर 81 जाएंगे तो यहाँ पर क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है, क्या किस तरीके से सोचेंगे। तो देखिए हम आपको सीधा सा बताते हैं दोस्तों कि हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे। उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 8 देख रहे हैं ये क्या हम लोगों के सामने 2 का क्या है दोस्तों, क्यूब है। उसी प्रकार से 81 जो है ये 3 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। देखिए एक बार क्यूब है तो एक बार हम लोगों का, यानी कि एक बार क्या कर दिया उसके पावर क्या दोस्तों, 4। तो उसी प्रकार से देखिए, लेकिन लॉजिक को समझना होगा कि 2 के बाद देखिए हम लोगों का 3 का प्रयोग किया लगातार संख्या, उसी प्रकार से ये जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 4 का क्यूब है, तो अगला जो आएगा क्या आएगा दोस्तों, 5 पर पावर 4, क्योंकि लगातार आना चाहिए, जो भी आया था लगातार, जैसे 2 के बाद 3 आया तो यहाँ 4 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो 5 पर पावर 5, यानी 5 पर को 4 बार गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे कर लीजिए, देखिए 5 अगुना 5 अगुना क्या दोस्तों 5। तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिए धमाधम, देखते ही कहने लगे सर हमसे नहीं हो पाया हम क्या करेंगे। लेकिन लॉजिक देखिए हम आपको बता दिए कि यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, कि यहाँ पर देखिए पावर देखिए भी बता दिए कि 5 को, जैसे 5 पर पावर 4 रहेगा तो 5 को 4 बार गुना करना, 3 पर पावर 4 रहेगा तो 3 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 81 हो जाएगा। लेकिन इस जगह पर आप कहीं नहीं समझ रहे कि 3 गुना 3 अगुना 3 अगुना 3 4 बार कीजिएगा तो 81 नहीं आएगा, तो फिर आप ऐसे कहे कर रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हमने बिल्कुल बेसिक बात बता दिया।
अगला प्रश्न की दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन करके बताइए। कह रहा है दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति हम लोगों का निहित है, यानी ऐसा कौन सा उत्तर आकृति है जो ये वाला प्रश्न आकृति है दोस्तों इसमें आपका कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। तो चलिए एक बार ढूंढ के बताइए कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर आप करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए ऐसा हम लोगों का कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन में देखें तो यहाँ से मान के चलिए ऐसे कर दिया जाए, उसी प्रकार से इधर से कर दिया जाए और फिर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ से यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और इधर तो बिल्कुल हो तो गया और वैसा हम लोगों का बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी हूबहू वैसा आकृति हम लोगों का बी में बन रहा है, बाकी ये सभी नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे क्या करने से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या लॉजिक लगाना होगा, वही वाला आकृति यहाँ पर हूबहू। देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा से मतलब नहीं है, यहाँ पे कहेगा बहुत सारा स्टूडेंट, देखिए कॉमेंट भी बहुत कल एक स्टूडेंट कॉमेंट किए थे एक प्रश्न के लिए, अभी उसका कॉमेंट का रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है ई जो आपने एक्स्ट्रा बताया, एक्स्ट्रा से मतलब क्या प्रश्न आकृति कौन सा, एक्स्ट्रा से हूबहू फिगर यहाँ पर बना पा रहे कि नहीं, हाँ तो बिल्कुल सर इस प्रकार से और यहाँ पर देखिए और बाकी इधर से ले जाकर इधर, तो हम लोगों का फिगर बन रहा है, एक्स्ट्रा से आपको मतलब नहीं है कि क्या है लेकिन वो फिगर यहाँ पर है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है नौवां नंबर क्वेश्चन, कर है दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब होता है चार में से तीन समान है एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है, जैसे देखिए एमएमएस लिखा है, उसके बाद स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर और पत्र, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, आप कौन सा करने वाले हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एमएमएस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए मनी ऑर्डर हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, पत्र हो गया, तो ये सभी जो है यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी जो है हम लोगों का डाक घर के द्वारा भेजा जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, डाक घर, यहाँ पर लिख लीजिए डाक घर के द्वारा भेजे जाते हैं, डाकघर के द्वारा भेजे जाते हैं, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी भेजे जाते हैं। लेकिन एमएमएस क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ऑनलाइन यानी कि अलग व्यवस्था हो जाएगा, मनी ऑर्डर हो गया, स्पीड हो गया, पोस्ट हो गया, ये सभी डाकघर के द्वारा भेजे जाते हैं, डाकघर से रिलेटेड है, डाकघर से संबंधित है। एमएमएस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी हम लोगों का एसएमएस लिखा हुआ, देखिए ना एसएमएस, हाँ तो एसएमएस जो है दोस्तों एक मोबाइल हो जाएगा, यानी ऑनलाइन के द्वारा, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा। देखिए भिन्न निकालना, आपको किसी भी तरीके से लॉजिक, ये नहीं कि आप मेरे ही लॉजिक पे जाइए कि आप डाक घर लगा, आप अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तरीका दिया है जो एजेंसी कंडक्ट कर रहे हैं, हमने बिल्कुल वही तरीका आपको बता रहे हैं कि उसने लिखा था मनी ऑर्डर स्पीड पोस्ट पर, ये सभी डाकघर के द्वारा हो जाएगा, लेकिन एमएमएस क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एसएमएस, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों एसएमएस, हम एमएमएस पढ़ रहे हैं, तो एसएमएस जो है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर, सीधा सा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दसवां नंबर क्वेश्चन दिया, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया गया है, तो देखिए इस सीरीज को आपको बताना है कि श्रृंखला के अनुक्रम को पूरा करें, इस बार यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क लगाया है और यहाँ पर चार ऑप्शन, देखिए अलग अलग टाइप के, कभी अंक वाला आते हैं, कभी इस तरह रहेगा दो चार आठ इस प्रकार से देते हैं, कभी देखिए ए बी सी डी वाला, हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन जितने भी चैप्टर में, जैसे श्रृंखला में जानते हैं दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होता है, हर एक चैप्टर से हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। आपको करना क्या है, चैनल पर जाके पार्ट वन से स्टार्ट कर देना है और सारे पार्ट को देख लेना है दोस्तों, आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या कीजिएगा, जैसे यहां पर दिया दोस्तों हम लोगों के सामने बी, चलिए कर देते हैं बी सी, उसके बाद डी, उसके बाद कोमा, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी बी, उसके बाद लिखा है सी फिर कोमा, उसके बाद ई एफ और क्या लिखा है दोस्तों जी कोमा, इसी जगह पर क्वेश्चन मार्क और यहां पर उसने कर दिया दोस्तों एच आई और क्या लिखा है जे लिखा है। तो चलिए बताते हैं हुआ क्या है, कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए बी से यदि आप डी पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर सीधा सा दो लेटर किस में, ए बी सी डी में, उसी प्रकार से देखिए डी से यदि ई पर जा रहे हैं दोस्तों तो कितना लेटर किया है, प्लस क्या कर दिया है दोस्तों वन लेटर का वृद्धि किया, उसी प्रकार से ई से अगर यहाँ पर जाएंगे इस जगह पर भी प्लस दो कर दिया जाए तो होता है क्या, एक तरीके से सीरीज बैठता है क्या, तो ई से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जी आ जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों जी आ जाएगा
और जी में फिर एक लेटर कर देंगे तो आपका हाँ बिल्कुल। देखिए सीरीज बन गया, एक बार दो एक बार वन, एक बार दो एक बार वन, यानी एक बार दो जोड़ा एक बार वन जोड़ा फिर दो वन, और इतने में ही आपका आंसर निकल गया कि पहला नहीं होगा दूसरा भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। एग्जाम में भी आपको सावधानी बरतनी है कि क्या सावधानी कि सर आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, बस कुछ ही सेकेंडों में, हमने कुछ ही सेकेंडों में कर दिया। लेकिन एक बार और देख लेते हैं इसको करके, एक और कर देते हैं बस, इसके बाद छोड़ देंगे। सी से डी पे जाएंगे, इस सी से बी पे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों का माइनस वन, इस बार क्या हुआ दोस्तों माइनस वन किया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों, तो बी से यदि एफ पे जा रहे हैं तो प्लस क्या किया है दोस्तों चार किया। उसी प्रकार से इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों माइनस वन कर दीजिए, तो एफ में जैसे करेंगे तो आपका ई हो जाएगा, और ई में जैसे ही प्लस क्या कर दीजिएगा दोस्तों चार लेटर कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा। तो देखिए जी और ई आया कि नहीं हम लोगों का, तो जी और ई आ गया। बाकी आप इसमें भी लॉजिक लगा सकते हैं, आंसर निकल गया तो समय को नष्ट नहीं करेंगे और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे, कौन सा बुक है और किस एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट फोन कॉल कमेंट कर रहे हैं कि सर इस एग्जाम के लिए हमको बुक बता दीजिए, हमको तैयारी करना है। तो चलिए बता देते हैं कि कौन सा बुक है और सबसे बेस्ट बुक है। तो देखिए हम आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कौन सा बुक है दोस्तों, तो चक्षु प्रकाशन का है, जो मार्केट में काफ़ी डिमांड है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट किए थे सर उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कौन सा बुक लें, तो चक्षु प्रकाशन का बुक ले लीजिए दोस्तों। इस बुक की खासियत क्या है और इस ई बुक को क्यों लेना चाहिए, तो देखिए इसमें जो है सबसे बड़ा खासियत है कि 8 सॉल्व पेपर दिया दोस्तों, प्रीवियस में जो एग्जाम हुए उसका 8 सॉल्व पेपर मिलेगा और 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, बिल्कुल उसी के आधार पर जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और 2500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया दोस्तों इस बुक में, जो सेलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं और प्रीवियस में आए बिल्कुल उसी के अनुरूप दिया गया है। तो जरूर इस बुक को ले लीजिए, लोगो वगैरह थोड़ा अच्छे से देख लीजिए इस बुक में क्या क्या है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों चक्षु प्रकाशन, तो कहाँ मिलेगा सर यह बुक, तो आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट अमेजन या चक्षु प्रकाशन से लेना चाहते हैं तो उसका भी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों। अमेजन का लिंक, उसके बाद फ्लिपकार्ट का लिंक, सब चीज डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां पर आपको बुक मिल जाएगा, या मार्केट में कोई दुकान है तो वहां भी ले सकते हैं। सबसे बड़ा खासियत है दोस्तों इस बुक में बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार निकाला जो आपका सिलेबस है। तो आप जान रहे हैं कि यूपी पुलिस में चार ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान से, सामान्य हिंदी से, उसके बाद मैथ से आएंगे, और क्या दोस्तों रीजनिंग से। तो चार ही सब्जेक्ट से आएंगे और चारों सब्जेक्ट का दोस्तों जितना भी चैप्टर का है, जितना चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं उसका सॉल्यूशन इस बुक में दिया गया है। तो जरूर इस बुक को ले लीजिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा खासियत देखिए इस बुक में क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, इसका पीडीएफ थोड़ा सा आपको टेलीग्राम में मिलेगा, पूरा पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगा, तो बुक आपको परचेज कर लेना है। सबसे बड़ा खासियत है दोस्तों इस बुक का कि देखिए सामान्य ज्ञान में जितने भी चैप्टर है दोस्तों उसका सॉल्यूशन इस बुक में मिलेगा, सामान्य हिंदी के जितने भी चैप्टर है उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कि किस किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आएगा दोस्तों इस बुक में दिया गया। उसके बाद देखिए हम लोगों का मैथ में जितने भी चैप्टर है तो इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के आएंगे इस बुक में दिया है। फिर रीजनिंग के लिए तो चार ही सब्जेक्ट आएंगे, तो चारों सब्जेक्ट का दिया गया। और यहाँ पर देखिए आपको प्रीवियस ईयर यानी सॉल्व पेपर दोस्तों मिलेगा, जिस जिस डेट में एग्जाम हुआ, देखिए इस डेट में, इस डेट में, इस डेट में, सब डेट मेंशन कर दिया है कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके प्रीवियस में पूछे गए, और उसी के अनुरूप इसमें क्या निकाला दोस्तों 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया यहाँ पर। तो आप इस बुक को जरूर ले लेंगे दोस्तों। देखिए सॉल्व पेपर थोड़ा सा दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जैसे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आए, प्रीवियस में जो 2019 में हुआ है दोस्तों उसका क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो जरूर आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पे थोड़ा सा मिलेगा दोस्तों, लेकिन बुक आपको परचेज करना होगा, पूरा पीडीएफ नहीं है मेरे पास, तो आपको क्या करना होगा बुक को परचेज कर लेना है। तो देखिए इसके साथ साथ आप कौन सा बुक और भी ले सकते हैं चक्षु, तो देखिए मार्केट में दोस्तों चक्षु प्रकाशन का और भी बुक उपलब्ध है, जैसे स्टडी गाइड, स्टडी गाइड ले लेते हैं तो इसमें और बिल्कुल बेसिक तरीका से समझाया गया है। इसके साथ साथ अभी जो बताएं उत्तर प्रदेश के लिए प्रैक्टिस सेट जो सॉल्व पेपर, इसको ले सकते हैं, या आप अलग अलग सब्जेक्ट का बुक लेना चाहते हैं जैसे सामान्य हिंदी, दोस्तों सब चक्षु प्रकाशन का उपलब्ध है, कॉम्बो पैक है, लिंक जो है अमेजन फ्लिपकार्ट का सबका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से आप जरूर परचेज
कर लीजिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए, हिंदी के लिए, या प्रैक्टिस सेट गाइड जो भी लेना है तो चक्षु का ले सकते हैं दोस्तों, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे 11 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से है, तो यहाँ पर जैसे देखिए टेम्पल को इस प्रकार से कोडिंग दिया गया, तो उसी प्रकार से कर रहा है दोस्तों कि फैथफुल को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप कैसे कीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग का सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद हम लोगों के सामने एम पी, उसके बाद एल और ई, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर उसने लिख दिया है एम है, उसके बाद ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों टी, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है ई, एल और क्या लिखा है दोस्तों पी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसका पूछा जा रहा है एफ ए, उसके बाद आई, यहाँ पर लिखा है टी एच, उसके बाद एफ, उसके बाद यू और क्या लिखा है दोस्तों एल, तो इसका निकालना है। तो बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है और किस तरीके से होगा। ये देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, इसको इधर लिख दिया, उसी प्रकार से देखिए इसको इधर लिख दिया और इसको क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पर लिख दिया। लॉजिक को समझिए, उसी प्रकार से देखिए ये वाला ई को यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ये वाला पी को यहाँ पर लिख दिया और एल को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पर लिख दिया। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए हम लोगों का क्या था कि तीन तीन छः गो था, इसमें आठ गो है, तो एक दो तीन चार को यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों और हम लोगों का चार को उधर हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं इस जगह से, यानी कि ये वाला हो जाएगा इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने ये वाला क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला को इधर कर देना है और ये वाला को क्या कर देना है दोस्तों इधर कर देना। तो इस प्रकार से लॉजिक लगेगा। उसी प्रकार से देखिए एल को क्या कर देना है दोस्तों ई साइड में, एच को ई साइड में कर देना है, इसको यू को ई साइड में कर देना है और एफ को क्या कर देना है दोस्तों ई साइड में। तो चलिए अब देखते हैं करके कि हम लोगों का आंसर निकलता है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर करेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने हो जाएगा टी, उसके बाद ई, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए हम लोगों का आई हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा और इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों एफ। उसी प्रकार से इधर से कर देंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों एल, उसके बाद हम लोगों के सामने इधर वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों यू हो जाएगा, इधर वाला एफ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों एच आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे कर लीजिए, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टैंड देखते ही धमाधम स्किप कर दिए कि सर हमसे नहीं हो पाया, हमने स्किप कर दिया कि ये कोडिंग डिकोडिंग का एक अलग ही टाइप में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न ये दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी भयावह काफ़ी डरावा, तो डरना नहीं है हम है जरूर एकदम बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है। यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक बात बताने का प्रयास किया है कि किधर क्या लेना है। ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। जस्ट ऊपर में इस जगह पर क्या ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए। जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इस प्रकार से आपको डायग्राम को लेना है। तो चलिए अब बताते हैं कि किस तरीके से होगा, यानी इस साइड में पूर्व, इस साइड में पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर कर रघु अपने घर से जो है अपनी कार को निकालता है और शुरू करता है और 8 किलोमीटर कहाँ चल रहा है दोस्तों, उत्तर की ओर चलता है। तो चलिए कर देते हैं, यानी कि इस जगह से उसने स्टार्ट किया तो 8 किलोमीटर क्या चल देते हैं दोस्तों, उत्तर की ओर चल देते हैं इस जगह से। ये देखिए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ले लिए और 8 किलोमीटर क्या चले दोस्तों, उत्तर की ओर। उसके बाद उसने कहा है कि 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ये देखिए फिर 6 किलोमीटर क्या चल रहा है दोस्तों, पूर्व की ओर। तो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, यहाँ पर बोला है बस जैसे जैसे कह रहा है 6 किलोमीटर पूर्व। उसके बाद वह 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ा, तो देखिए दाया किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी ई साइड में हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर, एक अनुमानिक दूरी लिए कि 10 किलोमीटर दाईं ओर जाता है, तो दाईं ओर जाता है। फिर वह 4 किलोमीटर क्या हो रहा है दोस्तों, बाईं ओर। तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में बायां हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4 किलोमीटर। देखिए जैसे जैसे करते जा रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर दाया, 4 किलोमीटर बाया जाता है। उसके बाद वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर से 10 किलोमीटर कहाँ गया है दोस्तों, उत्तर की ओर। तो इस जगह पर चला गया 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, यहाँ से यहाँ तक हो गया और अंत में 4 किलोमीटर बाद दाया चला है। तो दाया किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा और 4 किलोमीटर चला है, तो चल दिए 4 किलोमीटर। तो वह अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, यानी प्रारंभिक स्थान से प्रारंभ कहाँ से है दोस्तों, ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं यहीं से, तो यहाँ से हम लोगों का ये वाला जो दिशा
दिशा दिखेगा दोस्तों, यहाँ से कौन सा दिशा हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दिशा हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। देखिए ना वैसा यहाँ पर जो हम निकाल दिए तीर का निशान, देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं स्किप कर दे रहे हैं कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हमसे हो पाएगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए आंसर आपका निकल जाए। यहां से पूछा है तो इस जगह से चार को डायरेक्शन बनाइएगा ना, तो आपका कौन सा निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का उत्तर पूर्व इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। फिर भी दिक्कत होता है तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये वाला प्रश्न जो है होमवर्क में कल दिए थे, तो चलिए आज करवाते हैं। कर पांच मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं और दक्षिण में मुंह करके बैठे हैं, तो ठीक है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। अभी आपको डायरेक्शन बताएं कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर होता है, तो देखिए यहाँ पर खेल है हम लोगों का दायां बायां का, तो इस साइड में दायां होता है और इस साइड में क्या होता है दोस्तों बायां होता है। पहले ही बता दिए, कन्फ्यूजन दूर कर दिया, हमेशा फिक्स है कि किधर दायां लेना है किधर बायां, ये फिक्स है। अब इनमें करते हैं कि मोहन जो है बालू और राजू के क्या है दोस्तों बीच में, तो मोहन जो है बालू और क्या दोस्तों करें कि बालू और राजू के बीच में, तो ठीक है अगर इस जगह पर हम लोगों को लिख लिया जाए कि मोहन, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों हटाइए, इस जगह पर हम लोग क्या कर ले मोहन, तो मोहन जो कह रहा है कि बालू और राजू, तो इस जगह पर यदि बालू को कर लिया जाए, यहाँ पर क्या कर लिया जाए दोस्तों बालू, और इधर कर लिया जाए राजू, यहाँ पर क्या कर लिया जाए दोस्तों राजू। उसने कहा है कि मोहन जो है इस जगह पर बोला है ना, देखिए मोहन जो है बालू और राजू के बीच में है, तो मोहन को कर दिए, और राजू जो है परवीन के ठीक दाई है, यानी राजू जो है दोस्तों हम लोगों का कर रहा है राजू जो है परवीन के ठीक दाई ओर में है, तो राजू जो है परवीन के ठीक दाई ओर, तो अगर हम लोगों को परवीन लिखना है तो परवीन का क्या होना चाहिए दोस्तों दाई ओर आना चाहिए, तो परवीन के अगर दाई परवीन के ठीक दाई ओर है, इसी तरह अमित जो है बालू के क्या है दोस्तों बाई ओर है, यानी अमित जो है यहाँ पर बोल दिया, इसी तरह अमित जो है यानी बालू को क्या है दोस्तों, यानी कि अमित जो है बालू के दाई ओर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरीके से बैठाएंगे दोस्तों तो हो पा रहा है क्या, कि यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से बता रहे हैं कि अमित जो है यहाँ पर बोल रहा है कि अमित जो है बालू के ठीक दाई ओर है, तो बालू के दाई ओर तो नहीं हो पा रहा है, यानी कि इस तरीके से बैठाइए, यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों हम लोगों का, इसको राजू को उस साइड में कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्तों इधर राजू को इस साइड में, यहाँ पर नहीं हो पाया। अगर हम लोग राजू को यहाँ पर कर लिया जाए, राजू को क्या कर लिया जाए दोस्तों इस जगह पर, तो कह रहा है कि इसी तरह अमित जो है बालू को क्या आना चाहिए, हाँ तो इस जगह पर राजू कर लिया हटाइए, इस जगह पर राजू कर लिया जाए और इस जगह पर क्या कर लिया जाए दोस्तों बालू कर लिया जाए, क्योंकि बीच में था तो इधर उधर होगा ये, अब यहाँ पर बोला कि अमित जो है बालू के दाई ओर, तो अमित को इस जगह पर कर लिया जाए, अमित कहाँ हो जाएगा दोस्तों इस जगह पर हो जाएगा। तो जब पाँच लोग हैं, चार लोग बैठ जाए, एक दो तीन चार लोग, तो एक लोग बच रहा है, कौन बच रहा है दोस्तों परवीन, तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए दोस्तों परवीन कर लीजिए, यहाँ पर परवीन कर लीजिए। तो कह रहा है कि सबसे दाई ओर कौन है, तो सबसे दायां में कौन है दोस्तों, देखिए तो अमित है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे दाई ओर, तो सबसे दाई में कौन है दोस्तों, अमित है, देखिए ना अमित सबसे दायां में चला गया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए बताते हैं 14 नंबर, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दकोश के क्रम में तीसरा किसका होगा, यानी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में रखना है दोस्तों, तो डिक्शनरी में कौन सा वर्ड हम लोगों का तीसरे स्थान पाएगा, तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होता है। सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लीजिए, जैसे COOL उसी प्रकार से इसमें है दोस्तों COOL, इसमें भी है COOOL, इसमें भी है COOOL, तो इसके बाद देखिए दोस्तों ABCD में कौन हम लोगों का पहले आ रहा है, जैसे इसमें देखिए O आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों E आ रहा है, इसमें हम लोगों का I आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों I, तो पहले E वाला आएगा, यानी ये वाला स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा, क्योंकि इसमें LL के बाद E आया, इसमें O है तो इसमें हम लोगों का I है और इसमें भी I, I के बाद इसमें देख रहे हैं दोस्तों N और इसमें क्या है दोस्तों S, तो ये वाला हो जाएगा दूसरे स्थान पर और ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का तीसरे स्थान पर और ये हो जाएगा चौथे स्थान। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही होगा। कैसे सही हुआ, तो देखिए COOL तक कॉमन है, कॉमन का मतलब सब में मिल रहा है COOL, उसके बाद देखिए ABCD में यानी A से लेकर Z तक में कौन पहले आ रहा है,
तो पहला वाला में यानी ए नंबर में तो ओ आ गया, ओ बहुत दूर है। उसके बाद देखिए ई आया किसमें, बी नंबर में, और इस सब में देखिए डबल एल के बाद आई आ रहा है, इसमें आई आ रहा है तो पहले ई वाला होगा। अब देखिए डबल एल के बाद इसमें भी आई तो इसमें भी आया, तो आई के बाद देखिए आई आई दोनों मिल गया, इसमें एस, इसमें क्या है दोस्तों हम लोगों का यानी आई के बाद एन है, तो हम लोगों का पहले एन आएगा तो इसीलिए दूसरा हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क मैट्रिक्स आव्यू वाले, इस प्रश्न का आंसर फिर कल बताएंगे, जिस प्रकार से एक प्रश्न होमवर्क में दे रहे हैं तो जरूर कॉमेंट कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही होगा, जरूर कॉमेंट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ग्रुप शेयर हर जगह शेयर कर दीजिए वीडियो को और ये प्रश्न को कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा दोस्तों, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।